गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हेलोजिनेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हेलोजिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है। तो यहाँ पर एक हमारा टॉपिक है कि गिव द मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन रिएक्शन इन एल्किन। तो एल्किन में जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो वहाँ पर मैंने आपके साथ ये वाली रिएक्शन को डिस्कस किया था। जैसे हमारा ये एल्केन है और जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब तक ये क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करता रहेगा तब तक कि इसके सारे हाइड्रोजन यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाते हैं। दैट मीन्स कि जहाँ यहाँ पर ये CH4 है, मतलब मीथेन है, और ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बन के निकल जाएगा और CH3Cl हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ये अगेन Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और फिर हमें CH2Cl2 का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये प्रोसेस यहाँ पर रुकेगा नहीं, फिर ये अगेन रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ और यहाँ पर हमें ये CHCl3 का फॉर्मेशन होगा। फिर से ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और CCl4 का फॉर्मेशन होगा, यानी यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब ये तो बात हुई कि हेलोजिनेशन रिएक्शन किस तरीके से हो रही है। देखिए, हेलोजिनेशन मतलब क्या होता है, हेलोजन का एडिशन। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो क्लोरीनेशन यानी कि हेलोजिनेशन हो रहा है। अब बात करते हैं कि ये जो हमारी रिएक्शन है ये कितने स्टेप्स को फॉलो कर रही है, मतलब इसकी मैकेनिज्म कितने स्टेप्स को फॉलो कर रही है। तो अगर हम बात करें इसकी मैकेनिज्म की, तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप्स में कम्प्लीट होती है। तो फर्स्ट स्टेप जो है इसका वो है चेन इनिशिएशन स्टेप। अब देखिए, ये जो चेन इनिशिएशन स्टेप है इसमें क्या होता है, जैसे हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन है हमारे पास और वो क्या कर रही है, वो एल्किन के साथ जुड़ रही है और तब तक जुड़ रही है जब तक कि सारे हाइड्रोजन वहाँ से हट नहीं जाते हैं, मतलब सारे हाइड्रोजन को वो रिप्लेस नहीं कर देती है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो Cl2 है इसका फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। और इस फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप जो है इसका उसमें क्या होता है कि जो क्लोरीन है वो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, मतलब क्लोरीन का क्या होता है, सबसे पहले होमोलिटिक क्लीवेज होता है। अब जैसे मान लो हमारे पास ये क्लोरीन है, ठीक है, ये Cl2 है हमारे पास। अब ये Cl2 बॉन्ड बना है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इस तरीके से बॉन्ड शेयरिंग से बनता है बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या होगा फर्स्ट स्टेप में कि इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा। देखिए, होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, मतलब कि इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएंगे, फ्री रेडिकल बन जाएंगे। ये वाला क्लोरीन ये Cl फ्री रेडिकल बन गया और ये Cl फ्री रेडिकल बन गया। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, क्लोरीन का होमोलिटिक क्लीवेज होता है जिसमें कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और इस स्टेप को हम चेन इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं। अब जो हमारा सेकेंड स्टेप है इसको बोलते हैं हम चेन प्रोपेगेशन स्टेप। इस स्टेप में क्या होता है, देखिए, जैसे फर्स्ट स्टेप में हमें फ्री रेडिकल मिले, तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल हमें मिले हैं वो एल्केन के साथ रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमने ले रखा है RH, ये क्या है, ये एल्केन है। जैसे मान लो ये CH4 है, ये हमारा एल्केन है। अभी मैं इसको ऐसे लिख दूँ CH3 और फिर एक हाइड्रोजन को मैं इस तरीके से लिख दूँ, अभी भी तो ये मीथेन ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है RH, मतलब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को अलग से निकाल के लिख दिया है। अब ऐसा क्यों लिख दिया है, ये इसलिए लिख दिया है ताकि हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो क्लोरीन है वो एक हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर के HCl बन के निकल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो एल्केन है उसमें से हाइड्रोजन को हमने इस तरीके से लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जब एल्केन हेलोजन यानी कि क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा जो एल्केन है उसमें से ये हाइड्रोजन चला जाएगा, तो ये तो बन जाएगा हमारे पास R फ्री रेडिकल और HCl अलग हो जाएगा। अब ये प्रोसेस यहाँ पे नहीं रुकेगा, अब क्या होगा, जो हमारे पास ये फ्री रेडिकल बना है एल्केन का, अब ये क्या करेगा, अब ये हमारा फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा फिर से क्लोरीन के साथ। अब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि ये जो फ्री रेडिकल है अब वो हट जाएगा और उसकी जगह पे यहाँ पे जो CH3 बचा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे CH4 था, अब एक हाइड्रोजन इसके साथ चला गया तो यहाँ बचा CH3। अब ये CH3 Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3Cl, इसी तरीके से बनेगा ना। अब ये CH3Cl बन जाएगा तो यही हो गया यहाँ पे RCl।
आर की जगह पे आप CH3 मान लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। और बाकी का जो एक क्लोरीन बचा वो यहाँ आ गया, क्योंकि क्लोरीन का क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है, तो उसमें एक फ्री रेडिकल यहाँ आ गया और एक उसके साथ जुड़ गया एल्काइल ग्रुप, मतलब एल्केन का जो एक हाइड्रोजन निकला था उसके बाद वो एल्काइल ग्रुप बना, उसके साथ जुड़ गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये एल्केन था, अभी एल्केन में से मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो ये हम मेरे पास ये आ गया CH3। तो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे हम इसको, अल्काइल ग्रुप बोलेंगे। अब देखिए जो थर्ड स्टेप है इसका, वो होता है हमारा चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। और इस वाले स्टेप में क्या होगा कि ये जो CH3Cl है, जब वो इस Cl फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, तो Cl फ्री रेडिकल क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को अपने साथ लेके HCl बन के निकल जाएगा और जो फ्री रेडिकल है वो इस कार्बन पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जब ये इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या होगा, एक क्लोरीन तो इस Cl के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से ये फ्री रेडिकल हट जाएगा और एक क्लोरीन हमारा फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो है हमारा CH2Cl2, ये फिर से इस फ्री रेडिकल के साथ, Cl फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा और फिर से ये रिएक्ट करेगा, तो हमारा क्या होगा, ये फ्री रेडिकल इसको दे देगा और HCl यहाँ आ जाएगा। अब ये प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक हाइड्रोजन ख़त्म नहीं हो जाता। अब फिर से ये रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ, अब ये Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये इसके पास जो फ्री रेडिकल है अब वो हट जाएगा और यहाँ पे जो एक क्लोरीन है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये CsCl3 बन जाएगा क्योंकि Cl2 थे, Cl3 हो गया और एक Cl फ्री रेडिकल अलग हो गया। वही सेम यहाँ पर होगा, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो CsCl3 है वो फिर से इसके साथ रिएक्ट करेगा Cl फ्री रेडिकल के साथ। क्या होगा कि ये वाला जो एक हाइड्रोजन बचा है यहाँ पे वो भी हट जाएगा, इस Cl के साथ चला जाएगा, तो बचेगा CCl3। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल आ गया इसका। अब ये जो CCl3 है वो फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, वो बना लेगा यहाँ पर CCl4, यानी जिसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये क्या है हमारा, ये फॉर्मेशन हो गया हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो यही तीन स्टेप्स होते हैं इसकी मैकेनिज्म में। तो ये है हमारी हैलोजनेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। इसमें तीन स्टेप्स होते हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।